नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, भारतीय सेना ने बॉर्डर पर दिवाली से पहले ही दीपावली मना ली है और पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह करने के साथ ही कई सैनिकों को 72 हूरों के पास सीधे ट्रांसफर कर दिया है। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है, बॉर्डर पर लगातार घमासान जारी है और इस बीच भारतीय सेना के जांबाज जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आपको बता दूं कि हम और आप आज दीपावली के जश्न में डूबे हुए हैं, कल दीपावली है, आज छोटी दीपावली है, लेकिन ये सब इस वजह से मुमकिन है क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जांबाज जवान मौजूद हैं। हमारी सुरक्षा के लिए हम त्यौहार मना पाएं इसलिए। तो सबसे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और आपको बता दूं कि उत्तरी कश्मीर में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की है और जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। लगातार घुसपैठ जारी है और लगातार इस वक्त भारतीय सेना की तोपें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें कर रहे आतंकवादियों को भारतीय जवानों ने वापस खदेड़ दिया है। भारतीय सेना की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने कुपवाड़ा, उरी और पुंछ में भारी गोलाबारी की है और पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे हैं। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और खबरें आ रही हैं कि भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान के 8 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त भी घमासान जारी है। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, पाकिस्तान की कई चौकियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है और आधिकारिक सूत्रों का यह कहना है कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 8 से ज्यादा सैनिक हलाल हो गए हैं। आपको बता दूं कि इस गोलाबारी की चपेट में आने से 2 जवान, जिनमें बीएसएफ इंस्पेक्टर राकेश डोवाल भी शामिल हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और जहां जख्मों का ताव न सहते हुए दोनों ने दम तोड़ दिया है। तो भारतीय सेना को नुकसान हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि इस गोलाबारी में पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में 3 नागरिक मारे गए हैं जबकि 2 जवान घायल हुए हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, 2 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के 8 से ज्यादा सैनिकों को हलाल कर दिया गया है। आपको बता दूं कि शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर राकेश डोवाल जो है वो जो पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में शहीद हुए हैं और वो गंगानगर ऋषिकेश उत्तराखंड के रहने वाले थे। भारतीय सैनिकों ने भी संघर्ष विराम उल्लंघन का करारा जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है, जबकि 8 से ज्यादा सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया है, जबकि 5 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है और शहीद हुए दूसरे जवान की अभी पहचान जाहिर नहीं की गई है। उरी सेक्टर में मारे गए लोगों की पहचान ताहिर अहमद मीर 36 साल के, इसके अलावा इरशाद अहमद और इसके अलावा फारूक बेगम, ये बेगम पत्नी जो है वो बशीर बेगम की, तो इन 3 की जो है, ये 3 लोग भी घायल हुए हैं, माफ कीजिएगा, ये 3 लोग भी मारे गए हैं। और इस बीच जिला पुंछ के सब्जियां सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना ने गोले दागे हैं। इस दौरान कुछ मोर्टार सब्जियों के मुख्य बस अड्डे पर गिरे जिनकी चपेट में आने से एक मध्यम आयु वर्ग की महिला और 2 पोर्टरों समेत 5 नागरिक घायल हो गए हैं। उनकी पहचान हाजरा बेगम, अब्दुल सलाम, तौसीफ अहमद और मोहम्मद रसद के रूप में हुई है, जबकि 183 बीएसएफ के 2 पोस्टों में से मोहम्मद अफराज और मोहम्मद इब्राहिम, ये इनकी पहचान हुई है। आपको बता दूं कि सभी घायलों को मंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि गोलाबारी का ही सिलसिला आज सबसे पहले उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा में टंगदार और करनाह सेक्टर के धानी, सदपुरा, हाजीतारा और जद्दा चौकी और उनके आसपास स्थित नागरिक बस्तियों से शुरू हुआ था। पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने के लिए टंगधार और करनाह सेक्टर में करीब 1 दर्जन परिवार अपने मकानों को छोड़कर निकट के सुरक्षावर्ती स्थानों में चले गए थे और भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी ठिकानों पर गोलाबारी की है। टंगधार और करनाह में भारतीय जवानों की कार्रवाई के शुरू होने के चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान के सैनिकों ने 2 अन्य जगहों पर भी मोर्चा खोल दिया और जिला बारामूला के उड़ी सेक्टर में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने जंगबंदी तोड़कर भारतीय ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी। उड़ी सेक्टर के सामने एलओसी पार हाजीपीर दर्रे में बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय ठिकानों पर तोप
और मोर्टार के गोले दागे और उड़ी में गोलाबारी शुरू होने के लगभग 20 मिनट बाद बांदीपुर जिले में एनओसी के साथ सटे हुए गुरेज सेक्टर में भी गोलाबारी शुरू हो गई। तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का नुकसान का ब्यौरा जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आपको बता दूं कि 3 जवानों की शहादत का बदला भारत ने पाकिस्तान के 8 से ज्यादा सैनिकों को हलाल करके लिया है और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान की कई चौकियों को भी तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना ने जमकर जवाब दिया है और भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 7 से 8 जवान मार गिराए हैं। पाकिस्तान की तरफ से मारे गए जवानों में 2-3 SSG कमांडर भी शामिल हैं और भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से उकसावी की हरकत की शुरुआत की गई थी और पाकिस्तान ने उड़ी से लेकर गुरेज तक के क्षेत्रों में सीज फायर का उल्लंघन किया और जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना लगातार दे रही है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर उल्लंघन में पहले BSF SI राकेश डोवाल शहीद हुए, इसके बाद सेना के अन्य 2 जवान भी इस गोलाबारी में मारे गए। वहीं 3 आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं, जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट में पहले ही बताया, और एक अन्य नागरिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना पर पीपुल्स कांग्रेस के नेता सज्जाद लोन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पुंछ, उड़ी और टंगधार, कुपवाड़ा के टंगधार में गोलाबारी में निर्दोषों की जान चली गई। इस घटना की निंदा करने के लिए सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है। उम्मीद है कि प्रशासन घायल परिवारों को सहायता मुहैया कराएगा। मेरी संवेदना इन इलाकों के लोगों के साथ है, ये कहना है पीपुल्स कांग्रेस के नेता सज्जाद लोगन का। पाकिस्तान की ओर से बारामूला जिले के हाजी पीर इलाके में गोलाबारी की गई। इसके अलावा तंगधार सेक्टर और गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की, मोर्टार दागे और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की फायरिंग में सीमा के पास बसे एक घर को नुकसान पहुंचा है जबकि एक महिला भी घायल हो गई है। तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी के बाद सीमा से सटे गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और गुरेज तंगधार से कुछ लोगों को हटाया भी गया है। हाल ही में आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया था और पाकिस्तानी सेना लगातार NOC पर गोलाबारी के बहाने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें कर रही है। 7-8 नवंबर की रात को भी माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से कुछ घुसपैठिए भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय सेना ने इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया था और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। तो भारतीय सेना के जांबाज जवान इस वक्त बॉर्डर पर दिवाली मना रहे हैं और ये दीपावली हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। हम और आप दीपावली चैन और सुकून से मना पाएं, ये इस वजह से है। भारतीय सेना के जांबाज जवान और भारतीय सेना की तोपें इस वक्त पाकिस्तान पर गरज रही हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।